डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। यूनिट थ्री, यूनिट वन हो चुका है, यूनिट टू हो चुका है, यूनिट थ्री राइटिंग एबिलिटीज। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं राइटिंग एबिलिटीज पर आज अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहला क्वेश्चन इसमें बढ़ सकता है, डिफाइन राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी से मतलब क्या है उसको स्पष्ट कीजिए, डिफाइन कीजिएगा। राइटिंग एबिलिटी को डिफाइन कीजिए, क्वेश्चन बढ़ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। देखिए, राइटिंग इज कॉल्ड ए क्रिएटिव आर्ट। इसको याद कर लीजिएगा, राइटिंग क्रिएटिव आर्ट है, यानी सृजनात्मक कला है। वेयर द राइटर पेंट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। जहां राइटर का मतलब लेखक, क्या करता है, पेंट करता है, बनाता है, लिखता है ओन वर्ल्ड, खुद के संसार को, अपने संसार में, अपने अपने वर्ड्स में, अपने खुद की काल्पनिक बातों को, अपनी बातों को अपने वर्ड्स में पेंट करता है, लिखता है, उसी को राइटिंग कहते हैं। द राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है राइटिंग। द लर्नर्स हैव टू राइट एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स, प्रॉब्लम्स एंड एटसेट्रा। लर्नर्स जो हैं, सीखने वाले हैं, वो क्या करते हैं, हैव टू राइट एक्सपेक्टेशंस, उसकी अपने एक्सपेक्टेशंस को लिखता है, ड्रीम्स को, सपनों को, अपनी प्रॉब्लम्स को। जो लर्नर राइट करता है, लिखता है, वो राइटिंग कहलाता है, उसमें वो कैपेसिटी, उसमें वो एबिलिटी आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो है उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उससे क्या मतलब है, मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज को मैनिपुलेट करने का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है। नंबर एक, इसको टॉपिक से, पॉइंट से समझेंगे। डेवलपिंग राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल का विकास करके, लिख करके, है ना, इससे स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज का मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले हम राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे, अपने लेखन क्षमता को विकास करेंगे, कौशल का विकास होगा। इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसमें राइटिंग स्किल को अपन डेवलप करते हैं। दूसरा, मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज की को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करना उसको कैसे, क्या करना, सबसे पहले शेप ऑफ द लेटर, लेटर के शेप बनाना, यूजिंग द स्पेलिंग ऑफ स्पेलिंग सिस्टम समझना, यूजिंग पंक्चुएशंस, है ना, कहाँ कोमा वगैरह लगाना ये समझना, पंक्चुएशंस का यूज करना। तीसरा था मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग की मैकेनिक क्या होती है भाई, कैसे मैकेनिज्म के रूप में। राइटिंग इज नॉट एन ईजी टास्क, लिखना कोई ईजी टास्क नहीं है, सरल काम नहीं है, ये एक सरल कार्य नहीं है, लिखना ईजी टास्क नहीं है, हार्ड टास्क है। द लर्नर आर रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ लेटर, उसको उस नॉलेज होना चाहिए अक्षरों का, शब्दों का, तब जाके वो कुछ लिख सकता है। यानी कि डेवलपिंग द राइटिंग स्किल, मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। चौथा है, इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज। द राइटिंग इज प्लेस्ड इन द लास्ट इन ऑल LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, है ना, रीडिंग एंड राइटिंग, ये स्किल्स हैं चार। LSRW अच्छी तरह से याद कर लेना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो अपन इसमें चल रहे हैं अभी, राइटिंग स्किल में। तो पर्पज ऑफ राइटिंग, राइटिंग के उद्देश्य क्या हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, द राइटिंग इज प्रोडक्टिव स्किल, राइटिंग के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। अगला आता है, अगला क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट राइटिंग एक्सरसाइजेज इन द लेटर स्टेज। लेटर स्टेज का मतलब उत्तरोत्तर जो आपकी स्तर है, उत्तरोत्तर स्तर में राइटिंग एक्सरसाइज की
के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हो? राइटिंग एक्सरसाइज इन द लेटर स्टेज पे कैसे कैसे उसको 11 पॉइंट्स में समझाया गया है कि राइटिंग से एक्सरसाइजेज हैं लेटर स्टेज में वो कैसे। नंबर एक, राइटिंग सेंटेंसेज फ्रॉम द स्ट्रक्चरल टेबल। स्ट्रक्चरल टेबल से, स्ट्रक्चर वाली जो टेबल है उससे सेंटेंस लिखना। राइटिंग वर्ड्स, कुछ शब्दों को लिखना। राइटिंग सेंटेंसेज फ्रॉम पिक्चर्स शोविंग एक्शंस। एक्शंस जो दिखा रहे हैं, कोई गति दिखाती हुई कोई पिक्चर्स हैं उससे सेंटेंस का निर्माण करना। राइटिंग सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशनल टेबल। सब्स्टिट्यूशनल टेबल से, है ना, वैकल्पिक टेबल से आपको क्या करना है, राइटिंग सेंटेंसेज बनाने हैं, सेंटेंसेज राइट करने हैं। द टेबल में बी प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। और सब्स्टिट्यूशनल जो टेबल है वो मेड बाय टीचर, जैसे ही इज, फिर आगे ए मैन, है ना, फिर ही इज अ बॉय, है ना, ये ही इज, इस तरीके से एक सब्स्टिट्यूटेड टेबल होती है जिससे बच्चा बनाता है, वाक्य का निर्माण करता है। फिर क्या है, आंसरिंग क्वेश्चंस विद पिक्चर्स। पिक्चर्स को देख करके प्रश्न का जवाब देना। राइटिंग सेंटेंसेज विद पैरा एज मॉडल, उसके तरीके से मॉडल बनाना सेंटेंस के अनुसार। डिक्टेशन एक्सरसाइज को डिक्टेट करना। रिडल्स, पजल्स, क्रॉस वर्ड्स, है ना, एक पजल्स वगैरह आती है ना, क्रॉस भी अपनी क्या कहते हैं इसमें, पजल आती है, उसका निर्माण करना, उसको भरना, है ना, उसको भरना। पजल भरेगा तो बच्चे में क्या होगा, स्किल डेवलप होगा। राइटिंग सम क्वेश्चंस यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द चार्ट। चार्ट में जो दी हुई है उसको लिखना सेंटेंसेज में। आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स ऑफ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की कुछ पिक्चर्स को शो करना, उसके जवाब देना। आंसर क्वेश्चन पूछना, वहाँ क्या दिखाई दे रहा है उसका जवाब देना। ए जू, चिड़ियाघर, ए स्टॉल, ए मार्केट सीन और हिल स्टेशन। अगला आता है राइटिंग ए पैरा विथ क्लूज अबाउट एन एनिमल एटसेट्रा। किसी भी जानवर के बारे में या किसी भी क्लू देते हुए पैरा लिखाना, वाक्य का निर्माण करवाना, पैराग्राफ लिखवाना बच्चों से, है ना, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझ ले, बहुत सरल है। वट इज द पर्सनल लेटर। What is the mean by personal letter? Personal letter से क्या मतलब है? And write about the different parts. और इसके कौन-कौन से different parts होते हैं? Personal letter समझ लो सबसे पहले, व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र से मतलब है एक ऐसा पत्र जो अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने relatives को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, वो personal letter होता है। Official letter भी होता है, ऐसे अलग अलग letters होते हैं, लेकिन हमें personal letter के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो personal letter मीन्स ए लेटर, पर्सनल लेटर का मतलब होता है रिटन टू ए फ्रेंड, एक मित्र को लिखा जाता है, रिलेटिव्स को लिखा जाता है। सच लेटर्स लाइक एप्लीकेशंस, उसमें एक एप्लीकेशंस हो सकती है, आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जो एप्लीकेशन होती है, जो लेटर होता है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, वो इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है नीचे देखो। पहला सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले क्या करते हैं अपन पत्र लिखते हैं तो भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। किधर लिखते हैं, राइट हैंड की तरफ, इधर, जैसे 113 दादी सदन, है ना, ये लिखते हैं अपन। गांव का नाम लिख देते हैं जैसे भीलवाड़ा, है ना, या आजाद नगर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वहां सेंडर्स का एड्रेस लिख सकते हैं, मालवीय नगर जयपुर, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सेंडर्स के एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। This is written on the top right hand corner of the page. पेज के कोने में, सबसे कोने, जैसे ये पूरा पेज है, इसके कोने में, राइट साइड में, ऊपर ही ऊपर, टॉप पे, कॉर्नर पे सेंडर से एड्रेस लिखा जाता है। एट द एंड ऑफ द एड्रेस, एड्रेस के एंड में क्या करते हैं हम, आफ्टर दैट कम्स द डेट ऑफ द डे, जिस दिन लेटर लिखा जाता है। When the letter is written, जिस दिन लेटर लिखा जाएगा उस दिन की डेट लिखी जाती है। ये एड्रेस, एड्रेस के बाद जस्ट डेट, जैसे अपन आज की तारीख लगाते हैं जनवरी 3rd, है ना, 3rd जनवरी, ऐसे लिख सकते हैं जनवरी 3rd 2021, है ना। एड्रेस, एड्रेस के तुरंत बाद जस्ट डेट का प्रयोग करते हैं, जस्ट आफ्टर। फिर आता है सैल्यूटेशन,
फिर अपन क्या करते हैं, सेल्यूटेशन करते हैं। सेल्यूटेशन जैसे माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, है ना, डियर मोहन, डियर सोहन, ये सेल्यूटेशन। इसके बाद जस्ट बाद ये लिखते हैं अपन, है ना, डियर मोहन, है ना। तो ये सेल्यूटेशन, सेल्यूट करना ना, संबोधित, संबोधन करना जिसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में, सेल्यूटेशन करना। व्हेन ए लेटर इज रिटर्न टू ए फ्रेंड, जब एक फ्रेंड को लिखा जाता है, इज एड्रेस्ड एज ए डियर हरी, उसको अपन फ्रेंड को, यदि अपन लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख क्या लिख सकते हैं, डियर हरी, डियर मोहन, डियर फ्रेंड, है ना, माय डियर फ्रेंड मोहन। इफ बट इफ द पर्सनल लेटर इज रिटर्न टू ए रिलेटिव, यदि रिलेटिव को लिख रहे हैं, सच इज मदर, सिस्टर एंड ब्रदर, फादर को लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, एटसेट्रा, इस तरीके से अपन लिखेंगे। तो याद हो गया होगा ना, सेंडर से एड्रेस, फिर उसके बाद सेल्यूटेशन, सेल्यूटेशन के बाद लेटर बॉडी, फिर उसकी बॉडी, है ना, आई एम वेरी हैप्पी, हैं, इस तरीके से तुम कैसे हो, मैं वहाँ गई थी, ऐसे गया था वहाँ, ऐसा इस तरह से पूरी जो लेटर की जो बॉडी होती है वो लेटर बॉडी, द बॉडी ऑफ द लेटर। लेटर की बॉडी में क्या होता है भाई, उसमें सारे इश्यूज होते हैं, पढ़ करके खुश होता है। ए पर्सनल मस्ट बी सिंपल होना चाहिए, एज वेल एज ए प्लीजेंट टू रीड, पढ़ने में उसको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं लेटर से मतलब है, ऐसा लेटर जो उसको समझ पाए अगला, क्लिष्ट नहीं लिखना, हार्ड नहीं लिखना, सिंपल भाषा में प्लीजेंट देने वाला, पढ़ने वाले को, टू रीडर, है ना, रीडर को पढ़ने वाला। द टोन एंड द लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी इंटीमेट एंड पर्सनल, पर्सनल होनी चाहिए और सारगर्भित होनी चाहिए। फिर आता है द सब्सक्रिप्शन, है ना, नीचे सब, फिर सब्सक्रिप्शन आता है, सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, देखो नीचे लिखते हैं ना, फिर योर लविंग सन, है ना, पिता को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर लविंग, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, है ना। तो क्या करते हैं उसके बाद, देखो सबसे पहले एड सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस पे डेट आ जाती है और एड्रेस आ जाता है, फिर सेल्यूटेशन आ जाता है, उसके बाद लेटर बॉडी आ जाती है, है ना, ये बॉडी, उसके बाद क्या आता है, सब्सक्रिप्शन। ए वेरी कॉमन स्टाइल ऑफ द टू एड ए लेटर टू ए फ्रेंड एज ए योर सिंसियरली, यदि मित्र को लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली आएगा उसमें, लविंग सन की जगह योर ट्रूली आ जाएगा। विच इज ऑल्सो यूज फॉर ए नियर रिलेटिव को लिख रहे हैं, जैसे सन डॉटर को हम लिख सकते हैं योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, है ना, जो इस तरीके से, ये चारों अच्छी तरह से याद कर लेना। और उसके बाद पांचवा पढ़ते हैं, पर्सनल लेटर का लास्ट पार्ट आता था सिग्नेचर, है ना, सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर नहीं करने होते हैं, देर इज नो नीड टू फुल सिग्नेचर ऑन द पर्सनल लेटर, पर सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है, जिसको अपन पत्र लिख रहे हैं वो जानता है कि वो मोहन कौन है, सोहन कौन है, है ना, उसका रिलेशन लिख रहे हैं अपन, तो सिंपल राइट राम एंड मोहन एंड सोहन, इस तरह से हम लिख देते हैं। तो पांच पार्ट्स हैं पर्सनल लेटर की, याद कर लेना, ये एग्जांपल है, एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। जैसे ये एड्रेस है सेंडर्स, 220 दादी सदन, आज़ाद नगर, भीलवाड़ा, January 3rd, 2021, ये एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया, है ना, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, ये सेल्यूटेशन हो गया, माय डियर फादर, फादर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे अब ये लेटर बॉडी हो गई, तीसरा है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, आई एम हैप्पी एंड आई होप दैट यू विल हैप्पी देयर, आप भी खुश होंगे, राजी खुशी होंगे, है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। माय स्टडी इज गोइंग ऑन, मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, आई वॉन्ट 200 rupees फॉर हिस्टोरिकल ट्यूर, मेरे सब जाना चाह रहे हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें अपन, मैंने को आपको केवल एग्जाम्पल दिया है कि ये लेटर की पार्ट्स होते हैं। फिर इसको एंडर, इसका जो प्लीज सेंड मी मनी, ये रिकॉर्ड होना चाहिए, माई बेस्ट रिकॉर्ड टू माई मदर, मेरी माता पिता और मेरे चुन्नू मुन्नू जो मेरे भाई बहन है उसको प्यार करें, माता को प्रणाम कहना, है ना, ये रिकॉर्डिंग भी लिखनी है अपने को। और ये चौथा पॉइंट जो होता है, ये रहा चौथा पॉइंट, है ना, ये योर लविंग सन, ये पांचवा द सिग्नेचर, ये पांच इसके पार्ट्स होते हैं, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, आपने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं फिर नया और वीडियो इसके जस्ट बाद बनाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।